अस्सलामुअलैकुम, यूनिटी न्यूज स्टूडियोज में मैं हूँ आकाशा यासीन। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए इमरान खान का बड़ा इकदाम। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक की हुकूमत के इलेक्शन एक्ट में तरामीम को चैलेंज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ओवरसीज को वोट की सहूलत फराहम की दरख्वास्त दायर कर दी। दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। तफसीलात के मुताबिक दुआ जहरा की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई, जिसमें बताया गया कि दुआ जहरा की जिस्मानी उम्र 14 से 15 साल, दांतों की उम्र 13 से 15 साल और हड्डियों की उम्र 16 से 17 साल है। छुट्टियों में स्कर्दू जाने वाले अफराद के लिए बड़ी खबर। CIA ने स्कर्दू जाने वाले अफराद के लिए परवाजों में इजाफे का ऐलान कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि ईद और स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों के बाद सयाह बड़ी तादाद में स्कर्दू जा रहे हैं। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू। कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी के सिलसिले का आगाज हो गया, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। कराची के इलाके सहराब कोट और अतराफ समेत गुलशन हबीब हाईवे, सुपर हाईवे और गड्डाब और अतराफ के इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा का सालाना राहियान करबला तंजीमी कन्वेंशन मदरसा शहीद आरिफ अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैहि पेशावर में मुनाकिद हुआ। MWM इस मौका पर आइंदा 3 साल के लिए अलामा जहां जेब अली जाफरी MWM खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर मुंतखब हुए। 9 मुंतखब सूबाई सदर से अलामा मकसूद अली डुमकी ने हलफ लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए यूनिटी न्यूज़।